हरियाणा के सोनीपत में आज एक अजीब वाक्या सामने आया। सोनीपत के वार्ड नंबर 22 की ब्लॉक समिति मेंबर प्रवीण देवी के पति राजेश गांव की समस्याओं का समाधान न होने पर गांव मुकिमपुर के टावर पर चढ़ गए। प्रशासन को भनक लगने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीण को जल्द समस्याओं का समाधान होने का भरोसा दिलाया। तब जाकर ग्रामीण राजेश 6 घंटे बाद टावर से नीचे उतर आया। इस दौरान ग्रामीण ने बताया कि अगर गांव की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ वह फिर से टावर पर चढ़ने को मजबूर होगा। इस दौरान ग्रामीण ने और क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। कारण ये था जी, 1.5 साल के लगभग हो गए पंचायत बने और गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, पता नहीं लग रहा है वो पैसा आ रहा है कागजा में कहाँ कहाँ नहीं। मेरे गांव में हरा भरा पार्क था, बिल्कुल वो उजड़ गया। उसमें आज मिट्टी की धूल उड़न लग रही है। एक ये जोड़ है, ये बारिश की, अभी बारिश चालू हो जाएगी तो गांव में पानी घुस जाएगा। लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने जाती, मेरे गांव की थी, इतने गंदे पानी में लेटरिन का, पेशाब का, भैंसा का मूत वो इसमें गा जाता है, वो पूरे रोड पर खड़ा हो जाता है। और 10 दिन से मैं सबके पास घूम रहा हूँ, ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जी, मैंने अप्लीकेशन नहीं दी और रिक्वेस्ट नहीं करा हो अगर जी मारा ये करा दो। हालांकि ये बोल रहे हैं ग्रांट भी आ चुकी है तुम्हारी, लेकिन ग्रांट आने के बाद भी मेरे गांव में कोई विकास कार्य नहीं चल रहा। कब टावर पर चढ़े, कितने घंटे बाद उतरे? गांव टावर पर चढ़ा था जी मैं करीब 6 बजे के आसपास, और अभी आप देख लो अभी उतरे हम 5-4 घंटे। BDPO के आश्वासन पर ही मैं उतरा हूँ जी, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो यही टावर है जी, यही शरीर है, यही गाँव है। चढ़ हो गया? हाँ जी बिल, अब की बार तो उतरूंगा ही नहीं जी, चढ़ गया तो या तो ये मशीन लगी तो ठीक है जी, नहीं तो मेरी ऊपर से ये मान लो जी आप डेड बॉडी ही जाएगी जी गांव से उठकर।